टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। पीएम मोदी डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन समाज में तो आज भी जातीय भेदभाव और छुआछूत हावी है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों द्वारा कुछ महिलाओं को सिर्फ इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि वो महिला दलित समाज से ताल्लुक रखती है। काय को डरना, मतलब तुम मंदिर में जानना दोगे अंदर? डर कौन से डरे? हाँ, कोई तो कह रहा तुम्हें काय को डरना? कौन से डरे? बात तो बता रहे, तुम अंदर जान चो ना दे रहे, बता बजा बताओ डरे कौन से बात बता। कल को हमारे डरे कौन से जमुना पार के गंगा पार के भंगिया में गाड़ी ले ले चार चार तो सब मंदिर में ऐसी रोके जामे इंसान। हाँ बेटा, गामन में जो सुन जो अगर कोई तुम्हारी या सोच सुनेगा ना, अगर कोई तुम्हारी बनाए हुए मंदिर अगर तुम्हारी या सोच कोई सुनेगा ना, तुम तो थूक कर जाएगा कि तुम्हारी सोच ऐसी है। आराम से बात करो, आराम। रिपोर्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये वायरल वीडियो बीते 25 अक्टूबर का है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के गेट पर खड़े कुछ दबंग महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे, जबकि दबंग बाकायदा पीड़ित महिलाओं को दलित होने की वजह से मंदिर में ना जाने देने की बात करते नजर आ रहे हैं। कौन सा बनाई है, हाजिर करो। ये ठाकुरन की संपत्ति, संपत्ति ये मंदिर है, मंदिर है ये, दादा लाई जमीन है, दादा लाई जमीन है, दादा लाई जमीन है। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित यूपी के बुलंदशहर जिले का है, जहां बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव रखेड़ा गांव में स्थित मंदिर में दलित महिलाओं को जल चढ़ाने से रोक दिया गया। दरअसल बीते 25 अक्टूबर को ये दलित महिलाएं चामुंडा माता के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गई थी, और दलित महिलाएं जब पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो दबंगों ने दलित महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। एक दबंग द्वारा दावा किया गया कि मंदिर ठाकुर और ब्राह्मणों का है, इसीलिए इस मंदिर में वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को पूजा नहीं करने दी जाएगी। मामला ये जो गांव रखेड़ा है, वहाँ पे जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वहाँ एक चामड़ का मंदिर है माता का, ये लोग काफी समय से पूजा अर्चना करते आए हैं। अभी कुछ समय पहले महिलाएं पूजा अर्चना करने गई तो वहाँ कुछ समाज के लोगों ने उनको पूजा अर्चना करने से रोका और मना कर दिया, उनको भगा दिया कि आप अनुसूचित जाति के लोगों, दलित समाज के लोगों, हम आपको यह पूजा अर्चना नहीं करने देंगे। तो इसको लोग विवाद हुआ, महिलाओं ने काफी कहा सुनी हुई, नहीं हम मंदिर पे पूजा अर्चना करके ही जाएंगे। उसके बाद कुछ जो वहाँ के असामाजिक तत्वों के लोग थे, उन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज जो दलित जाति के लोग हैं उनके साथ मारपीट करी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। बड़ा दुख का विषय है, आज देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया है, फिर भी हमारे लोग इस तरह की घटनाओं से पीड़ित होते हैं, हमारे साथ मारपीट होता है, भेदभाव की घटनाएं होती हैं। कब से हुई है घटना, कब से शुरू हुआ है ये घटना? अभी 25 से पहले घटना शुरू थी, 25 को हम एडीएम साहब से मिले हैं, एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, सीओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी विवाद हुआ सारा मंदिर को लेकर ही विवाद हुआ है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म को त्याग दें तो हम पूरा समाज इकट्ठा होकर इस हिंदू धर्म को त्याग दे देगा, अगर हमें हमारे समाज का मान सम्मान नहीं मिलेगा तो। दलित महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने देने की खबर जैसे ही समाज में फैली तो वाल्मीकि समाज के लोग एकत्र हो खुर्जा सीओ के कार्यालय आ पहुँचे और पुलिस अधिकारियों से न्याय दिलाने की मांग करने लगे। दलितों ने दावा किया कि यदि दलितों का मंदिर जाने से रोका गया तो ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। ये वीडियो अभी वायरल हुआ है, इसमें दिख रहा है कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया है। इसी संबंध में एक FIR मार्केट के संबंध में दो तीन पूर्व थाने पर हुई थी, जिसमें इस तरह की घटना का जिक्र किया गया था, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ, इसमें तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करके अभियुक्तों को गिरफ्तार कराई जाएगी। सर कौन लोग हैं जिन्होंने स्थान से मंदिर में प्रवेश करने से रोका, क्या कुछ पता चल पाया? नहीं, उनके द्वारा क्योंकि वीडियो अभी जस्ट अभी वायरल हुआ है, तब इन लोगों से मिलकर बात करेंगे, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया? नहीं, क्योंकि वीडियो अभी वायरल हुआ है, उनको तहरीर लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया जाएगा। दलित महिलाओं को मंदिर में न जाने देने वाले दबंग मंदिर को अपना बता रहे हैं, मगर वो शायद ये भूल चुके हैं कि मंदिर तो भगवान का घर है और भगवान
किसी एक का नहीं होता। हालांकि पूरे मामले की गंभीरता को भांपते हुए बुलंदशहर जिला प्रशासन पूरे मामले की बारीकी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का दम भर रहा है, लेकिन इस तरह की खबर का सामने आने ही अपने आप में बेहद शर्मनाक है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।